पालमपुर के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजपुर के वार्षिक पारितोषित वितरण समारोह में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर विद्यालय में मेधावी और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए वर्तमान शिक्षा पद्धति की और अधिक बेहतर दिशा में काम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सांस्कृतिक शिक्षा के लिए संस्कृत, योग और संगीत को अनिवार्य किया जा रहा है तथा नैतिक शिक्षा और नशे के दुष्प्रभावों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के कुल 18,000 विद्यालयों में 1400 विद्यालय ही निजी क्षेत्र में हैं और प्रदेश में शिक्षा का विस्तार दूर दराज के दुर्गम क्षेत्रों तक किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजनीतिज्ञ अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी तक सरकारी स्कूलों की ही देन है। उन्होंने अध्यापकों से आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने पर विचार करें ताकि लोगों में सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा पर विश्वास स्थापित हो। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश के शिक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत करने की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक वर्ष में सरकार ने 5,000 शिक्षकों के पद भरे हैं और 2300 अध्यापक भरे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैर शिक्षकों के पद भी भरे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को प्रोत्साहित करने और प्रेरणा लेने के लिए सरकार ने अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकली मोती कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसमें स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने राजपुर स्कूल में विज्ञान भवन निर्माण, विद्यालय के दोनों भवनों को जोड़ने के लिए ओवर ब्रिज बनाने के लिए 5,00,000 तथा विद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 31,000 रुपए देने की घोषणा भी की। और हिमाचल प्रदेश तो एक ऐसा राज्य रहा है जहां आज का जो है वो अगर राजनीतिक नेतृत्व तो जो है वो उसकी तरफ देखेंगे तो वो भी सब सरकारी स्कूलों में पढ़ा है। अगर आप नौकरशाही का जो है हमारा नेतृत्व तो देखेंगे तो वो भी अधिकांश जो हिमाचल प्रदेश का है वो सरकारी विद्यालयों से पढ़ा है और इससे पहले का भी ऐसा ही रहा है। श्री वीरभद्र सिंह जी को छोड़ करके हमारे प्रदेश का प्रत्येक मुख्यमंत्री सरकारी स्कूल में पढ़ा है। वो राजा थे इसलिए वो बीसीएस में पढ़ सकते थे, सेंट स्टीफन में पढ़ सकते थे। तो इसलिए सरकारी स्कूलों की बहुत बड़ी देन हिमाचल प्रदेश को प्राप्त है। और आज भी मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में बहुसंख्या में सरकारी स्कूलों में ही विद्यार्थी पढ़ते हैं। 18,000 स्कूलों में से केवल 1400 प्राइवेट स्कूल है, बाकी सबके सब जो है वो 16,500 स्कूल जो है वो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। और उसमें एक जो है समस्या ये भी आती है कि हमारी सरकारी स्कूलों के जो अध्यापक भी हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जिससे जो है वो आम जनता को लगता है कि जब टीचर अपने बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाता तो शायद अच्छा स्कूल नहीं होगा। अब इसमें मैं कोई आदेश नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये एक सवाल जो है टीचर्स के लिए है, उनको इस पर जो है विचार करने की आवश्यकता है। एक वर्ष में कोशिश की है, पिछले एक वर्ष में हमने 5,000 नए अध्यापक जो है वो उनको जो है वो नौकरी दी है। हमने कहा चाहे वो सिलेक्शन बोर्ड जो है वो देर करे, लेकिन बैच वाइज ही अगर भर्ती हो सकती है तो बैच वाइज ही भरते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारा किन्नौर जिला में जेबीटी सरप्लस है, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना, मंडी का जो है वो 3 कंस्टिट्यूंसी को छोड़कर के बाकी सारा जिला, सोलन, ऐसे जिले हैं, चंबा का बहुत बड़ा हिस्सा जहां पर जो है वो सब स्कूलों में लगभग जो है वो पूरे टीचर हैं। एक दो स्टाफ मेंबर्स कम होते हैं क्योंकि रिटायरमेंट प्रोसेस रहती है, उसमें अपॉइंटमेंट्स जल्दी नहीं हो पाती।